वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर आज जो है हम इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस के साथ हैं। इसके पहले एक पार्ट बना दिया 11 चैप्टर का, है ना। अब अगले के साथ हैं, इसमें हम जो है रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं आज क्लोरोबेंजीन के साथ। क्लोरोबेंजीन के साथ जो भी रिएक्शंस हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन का आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हैलोजनीकरण। क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण, क्लोरोबेंजीन का एल्कलीकरण और क्लोरोबेंजीन का एसलीकरण। हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, एल्कलीकरण और एसलीकरण। जब हैलोजनीकरण कराएंगे अपन क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, जब नाइट्रीकरण कराएंगे तो नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे, जब सल्फोनीकरण कराएंगे तो सल्फोनिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे, और जब एल्कलीकरण कराएंगे अपन तो एल्किल समूह से रिएक्शन, एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे, और जब एसलीकरण कराएंगे तो एसिल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे। ये सारी रिएक्शंस होंगी, ठीक है। हैलोजनीकरण, करण माने प्रक्रिया, हैलोजनी माने हैलोजन, हैलोजन के जुड़ने की प्रक्रिया हैलोजनीकरण कहलाती है। नाइट्रो समूह के जुड़ने की प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। हैलोजनीकरण जो होता है इसमें केवल हैलोजन परमाणु जुड़ता है, ये तो अणु है। नाइट्रीकरण में केवल नाइट्रो समूह जुड़ता है, ये तो नाइट्रिक अम्ल है। सल्फोनीकरण में केवल सल्फोनिक अम्ल जुड़ता है, ये तो पूरा सल्फ्यूरिक अम्ल है। एल्कलीकरण में केवल एल्किल समूह जुड़ता है, ये तो पूरा एल्किल हैलाइड है। और एसलीकरण में केवल क्या जुड़ता है, COR एसिल समूह जुड़ता है, ये तो पूरा एसिल हैलाइड है, है ना। तो याद रखिएगा, हैलोजनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हैलोजन परमाणु जुड़ते हैं, और नाइट्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नाइट्रो समूह जुड़ता है, सल्फोनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सल्फोनिक समूह जुड़ता है, और एल्कलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एल्किल समूह जुड़ता है, और एसलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एसिल समूह जुड़ता है, उसे हम एसलीकरण कहते हैं। तो आज हमको पढ़ना है क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण, क्लोरोबेंजीन का एल्कलीकरण और क्लोरोबेंजीन का एसलीकरण। तो याद रखिएगा, इन दोनों रिएक्शन को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, हैलोजनीकरण में हैलोजन समूह जुड़ता है, नाइट्रीकरण में नाइट्रो समूह जुड़ता है, सल्फोनीकरण में सल्फोनिक समूह जुड़ता है, एल्कलीकरण में एल्किल समूह जुड़ता है, एसलीकरण में एसिल समूह जुड़ता है, ठीक है ना। लास्ट के दो रिएक्शन को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। हैलोजनीकरण का जो रिएक्शन होता है ये हमेशा उत्प्रेरक या फिर CL3 की उपस्थित में होता है। नाइट्रीकरण जो होता है ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थित में होता है, ठीक ना, और ये तो खुद गर्म करने पर ही हो जाता है। एल्कलीकरण ये निर्जल AlCl3 की उपस्थित में होता है, और एसलीकरण भी निर्जल AlCl3 की उपस्थित में होता है, ठीक है। तो देखते हैं आज हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और एल्कलीकरण और एसलीकरण। उसके पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि दो कंडीशंस होती हैं जो इसमें बनती हैं, एक आपका होता है आर्थो और एक होता है आपका पैरा। जब पहले और दूसरे नंबर पे कोई जुड़ा हो तो आर्थो, और जब पहले और चौथे नंबर पे कोई जुड़ा हो तो अपन उसे क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। ये अपना हो गया, जब इसमें क्लोरीन ये तो निश्चित ही है कि जुड़ा रहेगा, क्लोरीन जुड़ा ही रहेगा। जब पहले और दूसरे नंबर पे कोई जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं आर्थो, और जब पहले और चौथे नंबर पे कोई जुड़ा हो तो उसे क्या बोलते हैं, पैरा। और ये बात भी याद रखनी कि आर्थो और पैरा दो अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं है, दोनों एक ही स्ट्रक्चर काउंट होते हैं। कोई बोलेगा इसमें कितने बेंजीन रिंग है तो ये नहीं बोलिएगा एक और दो, दो नहीं एक ही बेंजीन रिंग है। कोई बोलेगा कितने क्लोरीन है तो आप ये मत कहिएगा दो क्लोरीन है, केवल एक ही क्लोरीन है, क्योंकि आर्थो और पैरा स्ट्रक्चर में दोनों को एक ही काउंट किया जाता है। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, हैलोजनीकरण, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, नाइट्रीकरण। फिर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सल्फोनीकरण। फिर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एल्कलीकरण। और फिर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एसलीकरण, ठीक है। तो आज हम सभी देखते हैं क्लोरोबेंजीन का शुरुआत से हैलोजनीकरण से सारे रिएक्शंस देखते हैं। तो याद रखिए, सबसे पहले ये हमारा हो गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है।
क्लोरोबेंजीन का हम लोग हैलोजनीकरण करने जा रहे हैं, तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? क्लोरीन के साथ। जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ निर्जल FeCl3 की उपस्थित में कराते हैं, जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ निर्जल FeCl3, इसको अपन क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। किसके साथ करा रहे हैं? क्लोरीन परमाणु नहीं है, ये अणु है, ठीक ना, क्लोरीन के साथ कराते हैं, क्लोरीन समूह बोल दीजिए। किसकी उपस्थित में कराते हैं? FeCl3 अंधेरे में भी करा सकते हैं, अंधेरे में भी ये रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ FeCl3 की उपस्थित में कराते हैं, तो अपना जो है आर्थो एवं पैरा क्लोरोबेंजीन बनता है। आर्थो एवं पैरा क्लोरोबेंजीन बनता है, मतलब इसमें से जो दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन जाकर के आर्थो और पैरा कंडीशन पे जुड़ जाती है। अब आपको बोला जाएगा कि ये क्लोरीन तो उस वाला क्लोरीन है, इसमें दो बेंजीन नहीं रिंग नहीं है। मैंने कहा था आर्थो और पैरा में एक ही बेंजीन रिंग काउंट करते हैं, और उसमें एक क्लोरीन, तो ये एक ही क्लोरीन है, और इस दो क्लोरीन में से केवल एक क्लोरीन जाकर के जुड़ा है। एक क्लोरीन जब बेंजीन के साथ कोई भी जुड़ता है तो उसके साथ एक हाइड्रोजन निकलता है, तो ये Cl क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम होता है 1,2-dichlorobenzene। इसका नाम क्या है? 1,4-dichlorobenzene। 1,4-dichlorobenzene। बोलिए इसको और क्या बोल सकते हैं? आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और इसका नाम क्या है? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और यह है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ या फिर Cl3 की उपस्थित में कराते हैं, तो 1,2-dichlorobenzene बनता है और 1,4-dichlorobenzene, मतलब आर्थो एवं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनता है। यही क्या कहलाता है? क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण, क्योंकि इसमें हैलोजन समूह जुड़ता है, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। तो याद रखिएगा, जब भी हम क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण करेंगे तो अपन क्लोरोबेंजीन की जो रिएक्शन है, अब नाइट्रीकरण है तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया। क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थित में कराते हैं, जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन थी ना किसके साथ? सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थित में कराते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल का नाइट्रो समूह, नाइट्रिक अम्ल का नाइट्रो समूह थी ना क्या कर देता है? क्लोरोबेंजीन से जाकर के जुड़ जाता है, एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पर, एक बार आर्थो कंडीशन पे जुड़ता है और एक बार पैरा कंडीशन पे। नाम क्या होगा इसका? इसका नाम है 2-nitrochlorobenzene। और इसका क्या है? 4-nitrochlorobenzene। इसे ही हम बोलते हैं नाइट्रीकरण, ठीक ना। जब भी क्लोरोबेंजीन के साथ नाइट्रिक अम्ल का नाइट्रो समूह जुड़ जाता है, ठीक ना, तो नाइट्रो समूह के जुड़ने की प्रक्रिया ही नाइट्रीकरण कहलाती है। और जब भी क्लोरोबेंजीन का हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थित में, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3 होता है, हमने उसे तोड़ करके लिखा है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 होता है, हमने तोड़ के इसलिए लिखा क्योंकि इसका नाइट्रो समूह केवल जुड़ता है, तो ये दिखाने के लिए कि NO2 जुड़ा हुआ है, नहीं समझ पा रहे हैं। अब आप बोलेंगे ये OH कहाँ जाएगा? जब भी बेंजीन के साथ कोई जुड़ता है तो हाइड्रोजन परमाणु निकलता है और HROH मिलकर के क्या बना देता है? H2O। तो जब भी क्लोरोबेंजीन की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थित में कराते हैं तो क्या बनता है? 2-nitrochlorobenzene और 4-nitrochlorobenzene बनता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल का नाइट्रो समूह जुड़ता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रीकरण कहते हैं। अगले टॉपिक पे यदि हम बात करते हैं तो अगला टॉपिक हमारा क्या आता है? क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। तो जब भी हम क्लोरोबेंजीन के सल्फोनीकरण पे बात करते हैं,
ठीक है ना। तो क्लोरोबेंजीन के सल्फोनीकरण पर जब बात होगी तो हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, और जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं क्लोरोबेंजीन की, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सल्फोनिक समूह होता है वो क्लोरोबेंजीन के साथ जा करके आर्थो एवं पैरा सल्फोनिक अम्ल बनाता है। कैसे, क्लोरीन है ये एक बार यहाँ पर जुड़ जाता है और एक बार ये चीज़ पैरा पर भी जुड़ जाता है। अब आप बोलेंगे एक हाइड्रोजन निकला एक कोएच निकला, क्या बनेगा यहाँ पर, H2O बनेगा। ये अपना आर्थो, ये आर्थो क्लोरो सल्फोनिक अम्ल है, आर्थो क्लोरो सल्फोनिक अम्ल, और यह पैरा क्लोरो सल्फोनिक अम्ल। चूंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का सल्फोनिक समूह जाकर के क्लोरोबेंजीन से जुड़ रहा है, इसलिए हम इसे क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण कहते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का सल्फोनिक समूह जुड़ जाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम सल्फोनीकरण करते हैं, और इसको क्या करने पे, गर्म करने पर यह अभिक्रिया संपन्न होती है। अब अपन बात करते हैं इसके बाद किस पर, इसके बाद हम बात करने जाते हैं, सल्फोनीकरण भी हो चुका है हमारा, अब हम इस पे बात करते हैं एल्किलीकरण पे, कि क्लोरोबेंजीन का एल्किलीकरण। तो जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थित में कराते हैं, तो जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थित में कराते हैं तो क्या होता है, ये जो क्लोरोबेंजीन है इसके यहाँ पे एल्किल समूह जा करके जुड़ जाता है, ठीक ना, और यहाँ पर भी जो है आर्थो पे कंडीशन पे भी जुड़ता है और पैरा के कंडीशन पर भी जुड़ता है। क्या होता है, एक्स के साथ एच रिएक्शन कर लेता है, HX बन जाता है, इसका अपन क्या नाम देते हैं, तो इसको नाम देते हैं हम क्या, आर्थो, ठीक ना, एल्किल ग्रुप में जुड़ गया, तो एल्किल क्लोरोबेंजीन निसर पा रहे हैं और इसका पैरा क्लोरोबेंजीन। तो जब भी कभी भी क्लोरोबेंजीन के साथ जब कोई एल्किल समूह जुड़ जाता है, ठीक ना, तो एल्किल हैलाइड का जब एल्किल समूह जुड़ता है, एल्किल समूह के जुड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, एल्किलीकरण। तो ये क्या हो गया, एल्किलीकरण हो गया, ठीक है। उसी के बाद यदि हम एसलीकरण की बात करते हैं कि क्लोरोबेंजीन का एसलीकरण क्या है, तो बस अपन को क्या करना है, इसी के साथ क्लोरोबेंजीन है, अब इसकी रिएक्शन R बॉन्ड CO बॉन्ड X के साथ करा देना है, तो ये R बॉन्ड CO बॉन्ड X ये भी किसकी उपस्थित में करता है, निर्जल AlCl3 की उपस्थित में करता है, और जब निर्जल AlCl3 की उपस्थित में करता है तो R बॉन्ड CO जा करके जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये क्लोरोबेंजीन ऐसे रहता है, यहाँ पे CO R जुड़ गया और यहाँ पे भी क्या होता है, CO R जुड़ गया, इस चूँकि है ना क्या होता है, एसिल हैलाइड का एसिल समूह जा करके जुड़ जाता है, इसलिए इसको एसिलीकरण कहते हैं। तो ये हमारा एक और रिएक्शन संपन्न हो गया, ये एसलीकरण था। तो हमारे ये पांच के पांचों रिएक्शन संपन्न हो चुके हैं, ठीक ना। इसी में हम दो और रिएक्शन की बात कर लेते हैं, दो रिएक्शन और कौन हमारे, हुंसडीकर और एक रेसिंग प्रक्रम, इसकी भी बात कर लेते हैं अपन, रेसिंग प्रक्रम, ठीक है, और दूसरा हुंसडीकर। देखते हैं ये हुंसडीकर क्या है और रेसिंग प्रक्रम क्या है। देखिएगा, हम हुंसडीकर पहले देख लेते हैं, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लबड़ की क्रिया, चाहे एरोमेटिक लीजिए चाहे एलिफैटिक लीजिए, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लबड़ की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थित में कराते हैं 330 से 340 केल्विन ताप पर, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लबड़ की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थित में कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, ठीक ना, जब भी हम क्लोरीन या ब्रोमीन की रिएक्शन CCl4 के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ कराते हैं तो हमारा हेलोएरिन बनता है। हेलोएरिन में हमने रिएक्शन करा दिया, ये क्या बन गया, CH3Cl बन गया, जहाँ पे C डबल होगा तो CO2 बनेगा, एक Cl जाकर के AG के साथ तो AgCl बनेगा, यहाँ पे भी लिख दीजिए C6H5Cl बन गया, यहाँ पे CO2 बन गया और यहाँ पे AgCl बन गया। ये जो बना है इसी को हेलोएरिन या इसी को एरिल हैलाइड कहते हैं, ठीक ना। तो ये हुंसडी का रिएक्शन था, एरिल हैलाइड बनाने का, हेलोएरिन बनाने का सबसे उपयुक्त विधि है, ठीक ना। ये जो आपका एल्किल हैलाइड भी बन गया है, एरिल हैलाइड भी बनता है, इससे एल्किल हैलाइड भी बनता है। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया क्लोरीन के साथ CCl4 की उपस्थित में 330 से 340 केल्विन पर कराते हैं तो हेलोएरिन या हेलोएल्केन बनता है। अब आगे चलते हैं अपन, कौन सा प्रक्रम, रेसिंग प्रक्रम, रेसिंग विधि पर अपन पढ़ने जा रहे हैं। रेसिंग विधि क्या है, तो देखिए, जब बेंजीन वाष्प की क्रिया, यह हमारा बेंजीन है, जब बेंजीन वाष्प की क्रिया ऑक्सीजन के साथ, जब बेंजीन वाष्प की क्रिया किसके साथ कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, ठीक ना, वायु के साथ और किसके साथ, नमी की उपस्थित में करा लेते हैं, ठीक ना,
तो एक मन उधर रखा है, तो जब बेंजीन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ HCl की उपस्थित में कराते हैं, बेंजीन वाष्प को जब भी वायु और HCl के साथ प्रवाहित करते हैं, ठीक ना, तो जब भी प्रवाहित करते हैं, ठीक ना, चाहे कॉपर का कोई ऑक्साइड हो, चाहे कॉपर का क्लोराइड हो, चाहे आयोडाइड हो, उसकी उपस्थित में कराते हैं तो बेंजीन वाष्प से क्या बन जाता है ना, एल्किल क्लोराइड। कैसे? ये C6 हो गया, एस पाइप हो गया, और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, है ना। ये जो हमारा बन गया वही क्या है, हमारा हेलोएरिन है, ठीक ना। सह उत्पाद लिखिए या ना लिखिए उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो बना, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के तो जल बनाएंगे ही, तो ये जो हमारी रिएक्शन है यही कहलाती है रेसिप्रोकम। बहुत बहुत धन्यवाद।